मैम आई कांट स्टार्ट माय वीडियो, परमिशन इज नॉट ग्रांटेड। लेट मी आस्क होस्ट, प्लीज गिव परमिशन टू पंकज सर टू शेयर हिज टू स्टार्ट हिज वीडियो। मैम अलाउड हिम पंकज सर अब स्टार्ट करिए, अब हो जाएगा। लेट मी सी। नो मैम आई कांट, यू कैन नॉट स्टार्ट द वीडियो बिकॉज़ द होस्ट हैज डिसेबल्ड इट। होस्ट हैज गिवन राइट्स आल्सो सर नाउ। So, how that possible? I'm not able to start my video because I'm. Host, can you please check whether you have given rights to the oh, correct okay. person? Oh, okay, 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 ma'am. Thank you, thank you. Yes, let. Do hai. Ek second. ओके क्या कैन यू सी मैम, क्या दिखाई दे रहा है सर? ब्लर है, क्लियर नहीं है। वी कांट सी इट सर, आपको स्क्रीन ही शेयर करनी पड़ेगी शायद। लेट 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 ओके ओके स्क्रीन एक्चुअली मैं मोबाइल से ही ज्वाइन किया हूँ एक्चुअली। अच्छा आप ऐसा करिए सर, 2 मिनट के लिए लॉग आउट करके कंप्यूटर से ज्वाइन कर, यहाँ पे दूसरी मैम हाँ उनको हाँ ठीक है। सर आप 2 मिनट के लिए कंप्यूटर से ज्वाइन करके फिर दिखा दीजिए, 2 मिनट बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मैं 2 मिनट बात करूँ, ठीक है सर, थैंक यू। रितु मैम अब आप पूछिए। रितु मैम अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क प्लीज। हाँ जी मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी, इस ऐप में हम एनिमेशंस को यूज कर सकते हैं मैम? और जैसे हमने बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव बनानी होती है अपनी वीडियो, तो एनिमेशन से जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, तो हम इसमें एनिमेशन कैसे यूज करेंगे? ओके, एनिमेटेड वीडियो। वेरी गुड क्वेश्चन मैम। जैसे हमारा कल एनिमेशन का सेशन है, आप लोगों का एक एनिमेशन वीडियो आप बनाओगे कल, ठीक है? तो आप वो वीडियो जब बन जाएगी, वो वीडियो भी आपकी MP4 फॉर्मेट में ही बनेगी, तो जब वो एक वीडियो बन गई तो आप उसको एज वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो और बाकी की चीजें ऐड कर सकते हो उसके साथ, जैसे हमने यहाँ पे किया। ओके मैम। मैम जैसे जो एनिमेशंस होती हैं उसमें जो बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड की जो पिक्चर्स होती हैं वो भी अलग 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 जैसे सीन्स होते हैं, तो वो भी इसमें इंपोर्ट हो सकते हैं? मैम डिपेंड करता है ना, मैंने आपको बताया MP4 फॉर्मेट, जब MP4 बोलते हैं या जब हम MP3 बोलते हैं उस टाइम क्या होता है, जितनी भी लेयर्स हैं उस प्रोग्राम में वो सारी कंपाइल हो जाती है, ज्वाइन हो जाती है। अगर आपको याद हो अजीत सर ने सुबह एक्सपोर्ट वर्ड यूज नहीं किया था, उन्होंने कहा था कंबाइनिंग या ज्वाइनिंग द वीडियोस ऑडियोस, वो ज्वाइन करने का मतलब यही था, बना वो MP3 रहे थे पर वो कंबाइन कर रहे थे दोनों लेयर्स को। मैम ये जो एनिमेशन वीडियो है इससे पहले मैंने बनाई है, लेकिन वो मैंने काइन मास्टर में बनाई है और उसका ना वाटरमार्क आ जाता है। हाँ मैंने बताया था शुरू में ही आपको कि काइन मास्टर की ये दिक्कत है। हाँ अदरवाइज उसमें एनिमेशन बहुत अच्छे से बन जाती है, लेकिन वाटरमार्क के कारण वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो मुझे मैम कल एक एप्लीकेशन सिखाएंगे जिसमें वाटरमार्क नहीं आएगा, तो वहां पे एनिमेशन बना के, या और किसी एक ऐप और भी है जिसमें बना सकते हो, वहां से बना के आप इसमें एज वीडियो फाइल लाओ और बाकी म्यूजिक और चीजें ऐड करके उसको और बेटर कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। रूही मैम। यस मैम। हाँ जी मैम, अगर हम बात करेंगे ऑडेसिटी की, तो मैंने एक स्टोरी लिखी है, एक छोटी सी स्टोरी मैंने लिखी अक्षरों की। अक्षरों की स्टोरी हो सकता है मुझे 5 मिनट, एक तो मुझे बता दें कि ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। सॉरी मैम, कैन यू प्लीज रिपीट? यस मैम, मैंने बोला कि मैंने अक्षर अक्षर को लेके एक स्टोरी बनाई है ऑडेसिटी के लिए, उस एक तो मुझे ये बताएं कि ज्यादा मैक्सिमम कितना होना चाहिए ड्यूरेशन। मैम देखिए, वीडियो का ड्यूरेशन ना कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, ऑडियो ऑडियो की मैं बात, ऑडियो के लिए भी मैम यही कहूंगी, देखिए आपके कंटेंट पे निर्भर करता है, पर नॉर्मली आप 3-4 मिनट, 3 मिनट से लेके 10 मिनट तक का बनाएंगे तो हम लोग सुन पाएंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। ये डिपेंड इस पे भी करेगा कि आपकी जो ऑडियंस है, बच्चे जो है हमारे लर्नर्स, वो कितने एज के हैं। मान लीजिए बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए छोटे ऑडियोज होने चाहिए ताकि वो बोर नहीं हुए।
बड़े बच्चे हैं तो आप थोड़ा लंबा भी बना सकते हो, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। क्या मैं पार्ट्स में बनाऊं फिर? हाँ मैम, वो बहुत अच्छा रहता है कि जैसे मान लीजिए एक चैप्टर में ही चार कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल आपने जैसे स्टोरी की बात की, मैं एक चैप्टर की तरह लेती हूँ, तो उसके अंदर आपने एक टॉपिक को एक उसमें पढ़ा दिया, उसमें आपने बोल दिया कि नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे, जैसे हम नॉर्मल क्लास में करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप उस तरह बनाओगे वो लंबा नहीं रहेगा और बोरिंग भी नहीं होगा बच्चों के लिए। अगेन डिपेंडिंग ऑन द एज लेवल ऑफ द चिल्ड्रन, क्योंकि हमें पहले ही बताया गया है कि आपकी ऑडियंस कौन है। और दूसरा, अगर आपको याद हो तो हमारी वर्कशॉप का जो फोकस है ई कंटेंट डेवलपमेंट फॉर दीक्षा, दीक्षा में FLN वर्टिकल पे ज्यादा इस वक्त अभी हम फोकस कर रहे हैं। FLN वर्टिकल क्या है? फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अब जब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात करते तो बच्चे छोटे होंगे, बच्चे छोटे होंगे तो कंटेंट बाइट साइज कंटेंट बनाना है। बाइट साइज मतलब छोटा छोटा। तो अगर वीडियो बनाने की बात हो रही है तो हो रही है मैक्सिमम 5 मिनट की, उससे ऊपर जानी नहीं चाहिए। बहुत बहुत आपको लगे 6 मिनट 6.5 मिनट, पर ये नहीं कि आप आधे घंटे की वीडियो बना के बैठ जाओ। नो मैम, फिर वो चलते भी नहीं है। हाँ, और दूसरा ना मैम, ये जो सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना हमारे, जैसे ओपन शॉट भी है, बहुत लंबी वीडियो बनाओगे ना एक टाइम के बाद सॉफ्टवेयर्स भी हैंग होते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम लोग बड़े हैवी पेड सॉफ्टवेयर तो हम यूज नहीं कर रहे हैं। हमें वो सॉफ्टवेयर चाहिए जो हमारे कंप्यूटर की रैम पे चल पाए। हमारे कंप्यूटर की रैम ज्यादा नहीं है तो वो हैंग करते हैं सॉफ्टवेयर ये वाले। तो अगर वीडियो छोटा होगा तो हमारे लिए उसको सेव करना आसान है, उसको रन करना आसान है, काम करना आसान है। अगर हैवी फाइल होगी, जैसे मैंने ओपन शॉट पे एक बार 2 घंटे की वीडियो बनाई थी, बन जाएगी, पर क्योंकि मेरा लैपटॉप की रैम कम है तो सॉफ्टवेयर भी हैंग करेगा। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा कि कल जो हमने करना है एनिमेशन पे, अगर हमें आज ही बोला जाए कि हम कौन सा डाउनलोड करें ऐप, मैं आपको ग्रुप में लिख दूंगी मैम, आज व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दूंगी ताकि यहाँ चैट में मिस नहीं हो जाए। कल जो सुबह हम ऐप करेंगे वो है स्टॉप मोशन स्टूडियो, और वो मोबाइल ऐप है, वो सॉफ्टवेयर नहीं है, वो मोबाइल ऐप है। ठीक, ताकि पहले ही हम डाउनलोड कर। बिल्कुल 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 मैम, बिल्कुल मैम। ओके, थैंक यू मैम। रीमा जी, अब आप पूछिए। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली था कि जैसे जूम इन का कंसेप्ट होता है, जब हम वीडियो शूट करते हैं तो कुछ पीछे शूट में ऐसा एरिया आ जाता है जो हम नहीं चाहते अपने वीडियो में शो करना। जैसे अभी आपने एक वीडियो दिखाया था, उसमें जो साइड में कैमरा पर्सन था वो शो हो रहा था, वो एरिया नहीं चाहिए, तो उसके लिए कैसे एडिट कर सकते हैं वीडियो को? मैम, जो मैंने, अगर आपने प्रेजेंटेशन देखा होगा डेमोन्स्ट्रेशन, उसमें एक ऑप्शन था प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टीज में एक बटन है स्केल, स्केल पे जाके आप उसका जो नंबर है 1 कुछ आ रहा होगा, उसको कम या ज्यादा करेंगे तो वो जूम इन और जूम आउट होगा। तो वहां से आप उस वाले ट्रैक को, जो ट्रैक सिलेक्टेड होगा उसको आप, प्रॉपर्टीज काम तभी करेगा जब ट्रैक सिलेक्टेड होगा। अगर ट्रैक ऑडियो का सिलेक्ट है तो उसकी प्रॉपर्टीज दिखाएगा, अगर वीडियो का सिलेक्ट है तो उसकी प्रॉपर्टीज दिखाएगा। तो अपना जो ट्रैक आपको चाहिए वहां पे जाके स्केल में आप वो थोड़ी चीजें चेंज करके अपने हिसाब से कर सकते हो। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। कुलदीप जी, अब आप पूछिए। हाँ जी मैम, मैं ये कहना चाह रहा था कि इस सॉफ्टवेयर में ट्रैक्स की लिमिट है या अनलिमिटेड है? यदि लिमिट है तो हाँ, क्या हम जितने भी ट्रैक्स पे हमने काम किया है उनको मर्ज करके अपने ट्रैक्स को बढ़ा सकते हैं? सर, मैं ये जानना चाहती हूँ आपके सवाल के रेलेवेंस में कि आपको ट्रैक्स कितने चाहिए, कितना बड़ा वो करना चाहते हो कि आपको बहुत सारे चाहिए? 5 ट्रैक्स ऑलरेडी है। एक ट्रैक्स में हमने अपना वीडियो रखा, दूसरे ट्रैक्स पे अपना बैकग्राउंड म्यूजिक रखा, तीसरे पे हमने अपना जो हम लिखना चाहते हैं कुछ स्क्रीन पे वो रखा, इसी तरह से कुछ लिखने वाले ट्रैक्स अलग अलग है, कभी बहुत ज्यादा ट्रैक्स हो जाते हैं तो उस तरह से हम एडजस्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर आपको पहली चीज, हाँ ट्रैक और बढ़ा सकते हैं आप, 5 के अलावा भी ऐड कर सकते हैं और इनको कम भी कर सकते हैं, वो अवेलेबल है। पर मैं ये कह रही हूँ क्योंकि जब हम ऑडियो या वीडियो पे काम करते हैं, आपके पास ऑडियो की 3 फाइल से ज्यादा नहीं हो सकती है, राइट? जिसके अंदर आपका मेन नरेशन, म्यूजिक और साउंड इफेक्ट तीनों आ गए, ये हो गया। उसके बाद आपको एक ट्रैक चाहिए जिसमें आपका मेन वीडियो प्ले होगा, और कोई भी इमेज है आपको उसी ट्रैक में डालनी पड़ेगी। अगर आप ऊपर वाले ट्रैक में मान लो अलग से भी डालते हो
तो उसके ऊपर आप नरेशन नहीं डाल सकते फिर, है ना, मतलब वो सॉरी आपको टेक्स्ट नहीं डालना है इसका मतलब. तो इन एनी केस हमारे पास 5 ट्रैक मोर देन इनफ है. और एज अ टीचर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी बहुत ट्रैक्स मत बनाना, क्योंकि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे किसमें क्या रखा है. और होगा क्या उससे कि एक में वीडियो ऊपर रखा होगा, एक में नीचे इमेज होगी, आप बोलोगे मेरी इमेज दिख नहीं रही है, आप कंफ्यूज हो गए. ट्रैक ऐड हो सकते हैं, आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन सॉफ्टवेयर की जो एक यूजेबिलिटी होती है, हम जब काम करते हैं हमें बड़ा टेबल मिल जाए छोटा टेबल मिल जाए, हम सब में मैनेज कर सकते हैं. तो ये अगर हम ट्रैक पे सही जगह वीडियो और इमेज को प्लेस करेंगे तो हमें और ट्रैक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ठीक है सर, थैंक यू मैम. विजय कुमार जी से आप अपना सवाल पूछो. मैम जो आपने अभी ये वीडियो के लिए जो आपने सॉफ्टवेयर बताया ओपन शॉट वीडियो एडिटर जो है, उसको हमने जो थोड़ा जब आप बता रही थी तो सारे प्रोसेस तो हम आपका देख रहे थे कि आप कैसे बता रही हैं स्क्रीन पे. उसी ड्यूरिंग में हमने जो है अपना इंस्टॉल किया जो है, बार बार वो फेल्ड भी हो जा रहा था. मोबाइल का डेटा लैपटॉप से कनेक्ट भी किए हैं और इधर आपका सेशन भी ले रहे हैं. तो अभी मेरा कंप्लीट हो गया मैम. उसमें जो इस तरह से आपने फाइल को बताया है एडिट करना, और जहां से हमको चाहिए वहां से कट करना और मिक्स करना, ये थोड़ा सा चीज क्लियर नहीं हो पाया है. ठीक है सर. सर देखिए पहली चीज ये होता है कि हम लोग जो दो सेशन रखते हैं ना, एक एक्सप्लेनेशन का होता है, उसका मतलब उसमें आपको सिर्फ ध्यान से देखना और सुनना है. दूसरा सेशन है आपके करने का, जैसे कि अब वाला सेशन. अगर अब आप साथ साथ करते तो और उसको पूरा सुनते तो आपके ये सवाल आते ही नहीं प्रैक्टिकली. बट फिर भी क्योंकि आपने मिस कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बता देता हूं. मैंने देखा भी, लेकिन मैं प्रयास जब दोबारा मेरा इंस्टॉल हो गया उस आफ्टर जब मैंने उसको प्रयास करने का कोशिश किया तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आने लगा. कोई दिक्कत नहीं सर, मैं आपकी हेल्प करती हूँ. अब आपको क्या चाहिए, आपको वीडियो को कट कैसे करना था वो जानना चाहते हो? हाँ, वीडियो कट करना तो जानेंगे, लेकिन जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग जैसे आपने दिखाया कि प्रेजेंटेशन या कुछ भी जो हमारा प्रोग्राम या जो भी ओकेजन है उसको हम दिखाना चाह रहे हैं, पहले वो हमारा आए या जैसे इंट्रोडक्शन टाइप का. तो सर उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए हमने टाइटल स्लाइड बनाई थी. मेन्यू में आप जाएंगे, वहां पे टाइटल बटन है, उसके ऊपर दो टाइटल ऑप्शन है, एक सिंपल टाइटल लिखा हुआ और एक एनिमेटेड टाइटल है. आपको सिंपल टाइटल अभी चलाना है, एनिमेटेड में नहीं जाना है. उसके अंदर आप जाएंगे, आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगे, आप उनमें से कोई भी ऑप्शन चूज करके अपना टाइटल ऐड कर सकते हैं और उसको सेव करेंगे तो वो इमेज फाइल की तरह सेव हो जाएगा. और उसको आप ड्रैग करके नीचे ले आइए और प्लेस कर दीजिए जहां आपको प्लेस करना है. एक बार आप ट्राई कर लीजिए अभी, जब तक मैं बाकी क्वेश्चन लेती हूँ. कोई दिक्कत आती है मैं फिर से आपकी हेल्प कर दूंगी सर. मैम पंकज बिजलवान फ्रॉम उत्तराखंड. हाँ जी सर बोलिए. हाँ मैंने ज्वाइन कर लिया है इससे लैपटॉप से भी, आपने कहा था. सो अच्छा ठीक है सर, आप ऐसा करिए स्क्रीन शेयर कर लीजिए. होस्ट प्लीज ये यूटी से जो है उत्तराखंड से पंकज किशोर जी, उनको एक बार राइट दे दीजिए स्क्रीन शेयर का. एक क्वेश्चन है रितु अनेजा मैम का, व्हाइल सिलेक्टिंग द रनिंग द सॉफ्टवेयर इफ वी हैव सिलेक्ट हिंदी लैंग्वेज बाय मिस्टेक तो हम क्या कर सकते हैं? अभी मैम मैं लेती हूँ, एक बार सर का देख लेते हैं फिर मैं आपसे क्वेश्चन को लेती हूँ. बताइए सर. हाँ मैम ये स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? हाँ. ओके अभी एक साथी का हमारे एक प्रश्न था कि वो लोगो एक्चुअली कैसे देखा जाए वीडियो चल रहा हो, तो अभी मैंने वीडियो तो नहीं लिया है लेकिन मैं आपको दो फोटो के बेस में दिखा सकता हूँ. एक को आप वीडियो कंसीडर कर लीजिए और एक को मैं फिर से इसको यहाँ पे आप अगर इफ इट इज पॉसिबल आपको दिखाई दे रहा हो ट्रैक, मैं फिर से थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ. एक फोटो मैंने नीचे रखी हुई है और एक फोटो ऊपर रखी हुई है, और जिसको मुझे लोगो बनाना है उसको ऊपर वाले ट्रैक में रखेंगे, अदरवाइज अगर नीचे वाले ट्रैक में रखेंगे तो हमको दिखाई नहीं देगा. सिंपली मैं इसको पहले से थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इसमें कुछ काम किया है, थोड़ा सा मैं इसको हटा रहा हूँ, फिर से मैं इसको ऐड कर रहा हूँ. और अगर आप इसको मैं इस समय चलाऊं इसको तो
वेट सर, ये आपने एक के ऊपर एक रख दी, ऊपर वाली लेयर पे थोड़ा सा गलत हो गया था, कोई बात नहीं सर। I'm dragging it right now here. Okay. अभी अगर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, जब मैं इसको रन करा रहा हूँ तो जो ऊपर वाला फोटो है वही दिखाई दे रहा है। अब मैं जिसको मुझे लोगो बनाना है तो उसको ऊपर रखना है, मैंने ऊपर रखा हुआ है, उस पर ही क्लिक करेंगे आपको रेड उस पर दिखाई देगा, तो यानी कि वो एक्टिव है। और उसको मैं यहाँ पे जो हमारा स्क्रीन है उस पर मैं उसको छोटा कर रहा हूँ। ये जो ऊपर प्रीव्यू स्क्रीन में बेसिकली जो ब्लू बॉक्स होता है वो हमारी इमेज या उसका पूरा रेफरेंस ले लेता है। कभी भी छोटा करते हुए आप एक साइड से नहीं उसको खींचेंगे, जो कॉर्नर है उससे खींच करके छोटा कर दीजिए या बड़ा, तो उससे क्या होता है एस्पेक्ट रेशियो सेम रहती है। ये डायगोनल जो दिखाई दे रहा है, ये डायगोनल वाले से करना है, कभी भी राइट या लेफ्ट से नहीं करना है या नीचे से। डायगोनल से करेंगे तो आपका जो लोगो है वो खींचेगा नहीं, चौड़ा नहीं होगा, उस तरह से ठीक रहेगा, एस्पेक्ट रेशियो सेम रहेगा। और मैं इसको छोटा कर रहा हूँ यहाँ पे, और इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जब स्टार्टिंग में हो गया तो स्टार्टिंग में यहाँ पे मैं इसको यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ, आप लोग जहाँ से मर्जी वहां से करना चाहें इसको, इंट्रो जहाँ पे से रखना चाहें। और मैंने इसको छोटा कर लिया, और इसके बाद इसको जहाँ पे इसको रखना है, मैं वीडियो के यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ यदि। लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण चीज जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इसको प्ले करूँ यहाँ से, ये अभी ऐसे ही चलने पे लगा हुआ है, तो दैट मीन्स समथिंग इज गेटिंग रॉन्ग, लेट मी डू इट अगेन। अभी मैं इसको कर लेता हूँ। सर वो रॉन्ग कुछ नहीं हो रहा है, एक्चुअली कई बार क्या होता है सिस्टम हमारा स्लो हो जाता है, और जब हम इसको फाइनल सेव करते हैं तो वो फाइल थोड़ी बेटर बिहेव करती है। हाँ, रेंडरिंग के टाइम जब आफ्टर रेंडर, हाँ, तो ये मैंने यहाँ रख लिया है, मैं इसको इसका एक रेंडरिंग टाइम होता है जो अंदर ही फाइल को, जो हमने उसको कमांड दी है उसको फॉलो करने में से टाइम लगता है थोड़ा सा, किसी भी वीडियो सॉफ्टवेयर को, नॉट जस्ट दिस, एनी सॉफ्टवेयर यू टेक। एक्सक्यूज मी मोनिका मैम। हाँ जी निर्मल जी, let me do it, मैं वेरी नाइस ऑन योर पार्ट। ओके ओके, एक्चुअली ये थोड़ा सा डबल आ गया था एक उसमें, हां दैट्स व्हाई, लेट मी डू इट। ओके, नाउ यू कैन सी, मैंने इसको इस वाले को जिसको ऊपर रखा है जो लोगो जिसको बनाया उसको छोटा कर दिया। आप चाहे तो आप इसको कितना स्ट्रेच कर लीजिए, तो जितना आप स्ट्रेच करेंगे उतने दौरान ये यहां पे बना रहेगा। अब आप देखिए इसको, ये चल रहा है नीचे, समझ लीजिए कि फोटो की जगह वीडियो है, और आपका ये लोगो वहां पे ऐसा बना रहेगा पूरे वीडियो के दौरान। सो अभी हमारे जो साथी का एक प्रश्न था, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर दिस इनपुट, कि क्योंकि जो इनपुट मैंने दिया था वो हम लोग का पूरी स्लाइड को लेकर के था, दिस इज वन ऑफ द शॉर्टकट व्हिच वी कैन यूज फॉर डूइंग दिस पार्ट, थैंक यू सर। हां निर्मल मैम, अब आप बोलिए प्लीज। थैंक यू मैम। मैम ये हल्का सा थोड़ा सा ट्रांजिशन को लेके बताइए कि हमने इमेज को सिलेक्ट कर लिया, फिर हम ट्रांजिशन पे गए, फिर उस ट्रांजिशन को सिलेक्ट करके इमेज पे डाल दिया, कैसे थोड़ा सा। हाँ हाँ, आपको ट्रांजिशन पे जाके उसे ड्रैग करके इमेज के ऊपर लाना है, इमेज पे लाएंगे उसके बाद उसका आप साइज छोटा या बड़ा कर सकते हो मैम। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी, अब मुस्तफा जी, अब आप पूछिए। डाउनलोड किया करने के बाद व्हाट्सएप पे, वैसे मैंने इसको स्क्रीन शेयर भी किया था। डाउनलोड होने के बाद जब इंस्टॉल करते हैं तो एक फाइनल स्टेज पे ट्रेस बैक करके एक वार्निंग आता है, वहां से आगे बढ़ नहीं पाते, ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल समथिंग लाइक दैट, वो हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया हुआ है। सर आपने, आप कहां कंप्यूटर पे डाउनलोड किया, मोबाइल पे? पीसी पे, पीसी पे, कंप्यूटर लैपटॉप है। एक सेकंड सर। हाँ जी सर, सॉरी सर, एक बार आप फिर से पूछेंगे, आप क्या कह रहे थे, मैंने मिस कर दिया, भूल गई मैं। हाँ जी, एक्चुअली ये जो अपना जो ओपन शॉट का जो ऐप है, वीडियो ऐप, उसको हमने डाउनलोड किया हुआ सक्सेसफुली। जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के टाइम में जो लास्ट प्रोसेस पे, लास्ट स्टेज पे ये एक वार्निंग दे के आगे नहीं बढ़ा, बढ़ने में हमें प्रॉब्लम होता है, ट्रेस बैक का एक वार्निंग आता है, तो उससे हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। उसका हमने जो इमेज है वो स्क्रीनशॉट ये शेयर किया भी हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप पे। सर एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, मैंने देख लिया है, मैं उसी को पढ़ रही हूँ, मेरे को ऐसे कोई टेक्निकली बहुत प्रोसीजर कुड नॉट बी फाउंड,
सर ये बोल रहा है बेसिकली कि आपका जो ठीक से डाउनलोड ही नहीं हुआ है फाइल, जितना समझ आया। तो उसको डाउनलोड तो एक्चुअली जो आपने कहा था उस हिसाब से हमने किया भी था मैम। सर कोई बात नहीं, कई बार मशीन है ऊपर नीचे हो जाता है, आप ऐसा करिए एक बार इसको डिलीट कर दीजिए, दोबारा डाउनलोड करके इंस्टॉल करिए, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि आपने जो इमेज भेजा है ना उसमें लास्ट लाइन पढ़ी है, उसमें लिखा है कि वो फाउंड ही नहीं है। जी 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 ओके, लेट मी चेक। मैं नहीं आ सकती है। ओके मैम ओके। हाँ जी विजय जी, अब आप पूछिए। जी मैम। आपने किया ट्राई? हाँ मैम मैंने किया, वो टाइटल पे जो आप बता रहे हो तो बन गया, उसको मैंने सेव भी कर लिया, और वहां पे जहाँ पे वीडियो या जो भी चीजें हैं अभी जो एक आप सो ऑल के नीचे जो बॉक्स बना हुआ है उसमें भी आ गया। हमने हमारी बेटी का जो क्लास थर्ड में है अभी, तो उसके कुछ ओकेजन्स जो उसके स्कूल में होते हैं उसके कुछ वीडियो मैंने छोटे छोटे लिए हैं, एक दो दो मिनट के। तो अब मैं उसको थोड़ा जिस तरह से आपने बताया है वो कट करके उसको थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकर उसको मैं मिक्स करूंगा और फिर मैं प्रयास करूंगा। आप लोग सभी अटेंडेंस भी जरूर मार्क कर दीजिए, मिस नहीं करना है अटेंडेंस को, वो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लिए हम सभी के लिए, मैं ऐसा बोलूंगी। तो प्लीज आप अटेंडेंस जरूर साथ साथ मार्क करते रहिए। चंचल मैम आपका कोई प्रश्न है तो प्लीज अनम्यूट करिए और बोलिए। हेलो। हाँ मैम, मेरे को ऑडियो से संबंधित एक क्वेश्चन करना था सुबह अजीत होरो सर से भी। पूछिए सर। मैं अगर बता पाई तो पक्का बताऊंगी मैम, अगर नहीं मेरे को आता होगा तो कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं मैम जैसे हम क्लास 1 और 2 के लिए यदि कोई बुक रीडिंग का काम कर रहे हैं तो उस बुक रीडिंग में हम यदि उनको अ वर्ण के बारे में यदि बता रहे हैं तो हम जो CWSN बच्चे हैं उनको अवर्ण की शेप्स को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे और उसको कैसे शो कर पाएंगे कि ऑडियो के माध्यम से, कि चित्र को तो हम शो कर पा रहे हैं कि हम ये चित्र है अनार का चित्र या जो भी है ये गोल है या कलर उसका, लेकिन उसकी जो शेप है जैसे अ की ब की जो भी वर्ण है उसकी शेप्स को किस प्रकार से हम बोल पाएंगे उसकी ऑडियो को, तो ये थोड़ा सा मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं चाह रही हूं कि मुझे आपका क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए, क्योंकि ये शायद मुझे नहीं पता, वंदना मैम शायद थोड़ा इसके बारे में आपको बता पाए, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए हमें CWSN के एक्सपर्ट से बात करनी पड़ेगी कि अ की शेप को डिफाइन करने का क्या सिंबल हो सकता है। हाँ, या अदर शेप्स हाँ, जो भी है तो उनके मैडम थोड़ा सा हमें उस सेशन हाँ, में तो ये डिफिकल्ट जानकारी, मैं वही बता रही हूँ ये मेरे लिए भी और मुझे लगता है वंदना मैम के लिए भी फॉर CWSN बताना थोड़ा चैलेंजिंग इसलिए होगा क्योंकि एक अलग भाषा है हमारी, मतलब उनके लिए भी एक अलग चीजें बनाई गई है, अलग रेफरेंस एग्जाम्पल यूज होते हैं तो उसकी मदद से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगर बहुत ही मतलब नासमझी वाली बात अगर मैं करूँ यहाँ बैठ के तो यही होगा कि हम शायद हाफ सर्कल को ज्वाइन करेंगे, बट वो भी शायद उतनी क्लैरिटी ना दे पाए। एक्चुअली मैम हाफ सर्कल यदि हम जैसे एक शुद्ध भाषा में बोलते हैं आधा चूल्हा और आधा चूल्हा, उसके बीच में एक आड़ी लाइन और एक खड़ी लाइन, यदि ये शब्द को हम बोलते हैं हाँ, लेकिन CWSN जो बच्चे हैं वो तो उस आधे चूल्हे का शब्द भी को डिजाइन भी नहीं जानते हैं। मैं यही कह रही हूँ मैम, ये ना ये आई डोंट थिंक आपको वंदना मैम या अजीत सर इसमें ज्यादा हेल्प कर पाएंगे। आप ये सवाल मतलब भारती मैम आई थी हमारे साथ उस दिन, वो शी इज एक्सपर्ट फॉर CWSN, आई थिंक वही हमारी हेल्प कर सकती है या फिर कोई और उस तरह का एक्सपर्ट, तो वो मैम जब कभी जुड़ेंगी बीच में, लास्ट डे तो आएंगी, आप अपना क्वेश्चन जरूर नोट करके रखिए, आप उस वक्त में भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप भी यदि हम उनसे भी यदि लेके हमारे को यदि इस चीज की हेल्प कर पाए तो थोड़ा सा बहुत ही आपकी वो होगा। ठीक है मैम, मैं कोशिश करूंगी, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी अगर मेरा इंटरेक्शन इस दौरान, क्योंकि मैं पूरा टाइम यहीं पे आप लोगों के साथ ही रहती हूँ, मेरा बिल्कुल इंटरेक्शन आउटर बंद हो गया है अभी, अगर मेरा हो पाता है मैं डेफिनेटली उनसे बात करूंगी, पर आप मेक अ नोट ऑफ इट, वैलिडिक्ट्री में मैम जरूर आएंगी तो आप उस वक्त भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ओके मैम, एक्सक्यूज मी मैम,
हाँ जी विजय सर। हाँ मोनिका मैम, एक बात मैंने कल भी आपसे शेयर की थी कि जैसे अभी आपने बताया कि जिसके भी सिस्टम में 64 बिट्स के प्रॉपर्टीज या जो भी उनका सपोर्टिव सिस्टम है उसमें भी ज्यादा सॉफ्टवेयर ये काम करेंगे। जैसे अभी आपने जो ये बताया, अभी इसको हमने लिया है, बड़ा अच्छे से काम कर रहा है, जो भी आपने बताया वीडियो एडिटर वाला, लेकिन वीयूई वाला जो सॉफ्टवेयर जो कल मैम ने बताया था उसको मैंने अगेन अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल किया, रीसेट भी करके किया, लेकिन मैम वो फिर भी उसी तरह से ब्लैंक पेज ही ओपन हो रहा है। सर मैं आज मैम जुड़ी नहीं है, गुलशन मैम, मेरी अगर उनसे बात हो जाएगी तो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगी। आप थोड़ा सा इसका ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं वीयूई का एक बार ऑनलाइन। चलिए ठीक है मैम, हम YouTube पे देख लेंगे फिलहाल। हाँ, क्योंकि मेरे को, मैंने एक्चुअली उसको डाउनलोड नहीं किया था, मैंने यूज नहीं किया है उसको। तीन बार मैंने किया लेकिन अगेन एंड अगेन वैसे ही पेज आ रहा है। बिल्कुल सर, मैं अगर मान लीजिए करूँ और वही प्रॉब्लम नहीं आया तो मैं नहीं आपको बता पाऊंगी, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर दिस। आप एक बार ट्यूटोरियल की मदद से भी कर लें, आंसर मिलेगा तो आप शेयर भी जरूर करें। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक बार व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, मैं मैम को वो फॉरवर्ड कर दूंगी, तो मैम अगर आंसर दे पाएंगी तो आई विल हेल्प यू विद दैट। ठीक है सर, थैंक यू। मोनिका मैम, हां जी, देयर इज अ क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। हाँ जी, मिस सोनम हैज आस्क्ड, कैन यू प्लीज रिपीट द डायरेक्शंस फॉर असाइनमेंट। ओके, तो क्योंकि आज मेरा ही सेशन है तो मैं आराम से सारी बातें कर सकती हूँ, ऑडेसिटी की भी कर सकती हूँ, ओपन शॉट की भी, वीयूई की भी, H5P की भी, सबकी कर रही हूँ, असाइनमेंट की भी करती हूँ। असाइनमेंट जो है, आपको 3 असाइनमेंट सबमिट करने हैं जो कि मैंडेटरी है, मैंडेटरी मतलब कि आपको करने ही करने हैं, और चौथा आपको एक चीज और करनी है, वो है OER सर्टिफिकेट। काफी हद तक आपकी प्रॉब्लम्स मेरे को लगता है रिजॉल्व हो गई हैं OER वाली। अगर आपको टाइम लग रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक दो दिन बाद में भी, सैटरडे को भी कर सकते हैं, मैं क्लोज नहीं करूंगी। जो 3 असाइनमेंट आपने सबमिट करने हैं अपार्ट फ्रॉम OER, वो है, आप कोई भी हो सकता है, वो एक ओडेसिटी का ऑडियो प्रोग्राम हो सकता है, ओपन शॉट का वीडियो प्रोग्राम हो सकता है, H5P का एक HTML फाइल आप मेरे को बना के दे सकते हैं, या फिर आप जो हमने कल एक सॉफ्टवेयर और किया था इजीली, या फिर VUE का भी आप कॉन्सेप्ट मैप या एक इंफोग्राफिक बना सकते हैं। कल हम स्टॉप मोशन स्टूडियो करेंगे, उसका आप कुछ बना सकते हैं। तो आप 5-6 जो हम चीजें करवा रहे हैं उसमें से कोई भी 3 चूज करके आपने असाइनमेंट अपने बनाने हैं। फॉर्म मैं आपको कल लंच टाइम के दौरान शेयर करूंगी, क्योंकि उसके बाद जो हमारे सेशंस हैं वो टूल्स के ऊपर हैं कुछ, लेकिन फिर भी जो आप बनाने का टाइम है आपको इन्हीं में सबसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इसमें हमने एक हैंड्स ऑन सेशन रखा है और एक करने वाला सेशन, बताने वाला रखा है। तो आप कल लंच में मैं आपके साथ असाइनमेंट बना के शेयर कर दूंगी ग्रुप पे, उसका गूगल फॉर्म का लिंक, तब आप लोग अपलोड करेंगे, और चारों चीजें एक साथ ही आपने अपलोड करनी है, तो आप फॉर्म तभी अपलोड करिएगा जब आपकी चारों चीजें रेडी हो। आई होप आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। देयर इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम राजस्थान। OER का वेरिफिकेशन मेल पर नहीं आ रहा है, 3 मेल यूज कर लिए। सर अगर आपको याद हो, हमने लंच से पहले एक सेशन सर के साथ किया था, वेरिफिकेशन मेल की जरूरत नहीं है, आप उस वीडियो को एक बार देख लें, उस से आपको हेल्प मिल जाएगी, मैंने व्हाट्सएप पे डाला है वीडियो। मैम, am I audible? Yes. Yeah, thank you. Monica ma'am, am I audible? हाँ जी, ईशा मैम बोलिए। Yes ma'am. Ma'am, thank you for such a wonderful explanation and the way you handle all the queries. Ma'am, only one request, that whatever we are learning every day, right ma'am? There are so many things, like, you know, sometimes you get overstuffed with the technical thing, but it is very good when we go for the hands-on practice. I just wish that, are we having the day-to-day recordings? And because we have the links for the, you know, PPTs, that's already we have received from the department and we are using that, but we want, like, you know, when we share the screen, when you are sharing, doing it practically, so it becomes very easy for us to remove all the doubts. Ma'am, Isha ma'am, maine aap logon se chat mein bhi likha hai, bataya bhi hai, थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट हमारे पास भी है, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी सेशन चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग को पहले डाउनलोड किया जाएगा, फिर हमें एक यूट्यूब चैनल पे अपलोड करना है, उसके बाद वहां पे लिंक जनरेट होगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा,
पर वो वीडियोस आपको डेफिनेटली अवेलेबल हो जाएंगे, थोड़ा सा आप लोग अगर हमें टाइम देंगे तो हम कर पाएंगे. नॉट एन इशू बिकॉज आई रिमेम्बर लास्ट टाइम व्हेन वी अटेंडेड इन मार्च बाय एंजल मैम, सो वी वर वेरी हैप्पी, यू नो, एवरी after the session we got the video and till now we use that was done through Moodle ma'am. Exactly. So since we are not doing it through Moodle this time, to thoda sa hum logo ka kyunki utna agar strict hum karenge to fir aap log aur bhi maza aayega. Ma'am, I have a maine utna strict nahi rakha hai. Us was daily assignments and we used to work till 10 p.m. I remember it was saying. So Dr. Angel was saying you have been very lenient to your participants. Yeah. She will definitely come and tell you. So don't take benefit. Thank you so much. For all the participants, I'm telling this training, when this happened last year, everybody has to submit every assignment, whatever they learned, assignment was there and it was to be done that very day. Okay. And we used to work till late night because otherwise no attendance was given. We remember so that. We are trying to become very lenient to you, but don't take benefit for this. Hats off to you, Monica ma'am. I'm not taking you granted in any way. Thank you so much. Sure. Miss Lakshmi has raised hand. Yeah. So, Ms. Lakshmi, please unmute yourself. Yeah. Before ma'am speaks, please mark your attendance. Whoever have not marked, please mark your attendance. Yes, ma'am, please go ahead. Thank you, ma'am. Ma'am, ek to OER login ho gaya. Thanks for sir and you also. Thanks to sir. Main Gurmeel Singh ji ko bahut zyada thank you bol rahi hu. कि मेरी इतनी बड़ी जो मैं कोशिश कर रही थी हेल्प करने की, बट सर ने डायरेक्टली कर दी, क्योंकि मैं वो एक्चुअली प्रॉब्लम ही एनकाउंटर नहीं की जब मैंने लॉग इन किया. अगर मैं एनकाउंटर करती तो शायद एक अलग बात थी. जी मैम, बोलिए. बट मैम, एक और प्रॉब्लम आ रही है, इट्स हैंग्ड अप इन 98%. मैम, अब आप क्विज पे चले जाइए, उसका जो असेसमेंट है, असेसमेंट कम्प्लीट करेंगे तो वो हो जाएगा. मैम, उसमें भी 90% दिखा रहा है, पर फिर भी सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो रहा है. इट हैंग्ड अप आफ्टर 6/6 कम्प्लीटिंग ऑल द सेशंस. तो मैम, असेसमेंट आपका हो गया कंप्लीट? यस मैम, इट सेज इट्स री अटेम्प्ट अगेन. हां, सो री अटेम्प्ट, व्हाई, हाउ मेनी स्कोर यू हैव गेन्ड? लास्ट टाइम आई गेन्ड 90%. ओके, देन शुड हैपन, बिकॉज़ बिलो 85 आई थिंक इट डजंट टेक. सो यू हैव टू हैव हैंग्ड अप 98%. आई डोंट नो व्हाई. ओके, सो एनीबॉडी वुड लाइक टू पिच इन? कोई बताना चाहेगा कि मैम क्या कर सकती हैं आगे? Gurmeel sir, आपको ही मैं बोलती हूँ. अगर Isha ma'am, आप बोलिए. I guess sometimes it takes time because you know it depends upon the speed also. When we are doing the online test, sometimes the speed of the internet is very good that all the test is being done quickly with the server help. But at times when many people are attempting, this problem occurs. So either ma'am should not refresh the window, she should be staying on the same window. And if nothing happens, then we are very sorry to say she has to attempt again the same test. मैम, पिछली बार भी ये प्रॉब्लम थी सभी के साथ. ये प्रॉब्लम है बिकॉज़ ये बहुत पिछली बार भी. सॉरी मैम, मैंने म्यूट कर दिया गलती से आपको. मैम, ये प्रॉब्लम है, लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, बिकॉज़ लास्ट टाइम आई थिंक देयर वाज मोर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट एंड सेम ओसीआर, यू नो, दिस वाज गिविंग एरर अगेन. इट वाज अ सर्वर प्रॉब्लम, देन वी केम टू नो, देन वी यूज्ड टू ट्राई लेट नाइट कि थोड़ा सा, यू नो, द रश शुड बी ऑन दैट रूट, थोड़ा फ्री हो जाए. तो अगर आपका नहीं आ रहा मैम, आप विंडो रिफ्रेश ना करना, मे बी यू इट विल टेक टाइम because it has reached 98%, तो वो कहीं ना कहीं अंदर स्लो प्रोसेसिंग हो रहा होगा. इफ इट डजंट हैपन अगेन, लाइक इफ द 100% इज नॉट अचीव, देन आई थिंक यू हैव टू री अटेम्प्ट इट. आई एम सो सॉरी, लाइक दिस इज द ओनली सॉल्यूशन आई फील. मैम, मैं बताना चाहूंगी, हम ट्राई करते हैं जब तक सर्टिफिकेट नहीं आ जाता. मैम, ये रहेगा ऐसे ही. हेलो, समय में ठीक हो जाएगा मैम, ये अपने आप आएगा, आप इसके साथ कोई छेड़खानी ना करें. पिछली बार भी ऐसे ही था, 98 पे अटक रहा था. Don't और आप कुछ नहीं करें, ये अपने आप आ जाएगा थोड़े समय बाद. ठीक है, Gurmeel सर, आप भी कुछ ऐड करना चाहते थे, शायद आप कर सकते हैं. हेलो, हाँ जी, सतीश जी बोलिए. नहीं नहीं मैम, सफिशिएंट, मतलब जो मैम ने बोला ना, ईशा मैम ने, वही मैं कहना चाह रहा था. ठीक है, सतीश सर, आप कुछ कह रहे थे? सतीश कुमार जी, यूपी से. हेलो मैम, लाइक आई जस्ट वांट टू शेयर
just in personal experience, because we are having good time for this, you know, personal sharing. I have used various software for my students. For example, some free software where I have created like doodling. I've done with the help of doodle thing and that whiteboard things. And those are again free software because they allow you to, you know, make a short video for one minute and 10 seconds and all. But what I did, I made short videos. Then I combined all the videos in a different software, maybe, you know, InShot or UCut. There are different software that I have in my mobile. So I just want to tell to all the participants in that short, you know, features also, like there are Powtoon, there is Render Forest. All these are free to use, like free open sources where we can make the animated videos, and I have made it for my class. It is on my YouTube channel as well. And these are very interesting. And again, you can add your own audios. You can add your own music to it. So all these features that we are learning on Audacity and today's software, I think we have another shortcut videos, like shortcut softwares, where we can work easily, where there is no much of layering is there. So if somebody finds these things little complex in nature, they can do that also. Even I can share my screen if anybody wants to have a look at those videos, if you allow. Ma'am, what you can do is, rather than sharing here, you can just put it in the WhatsApp group, because that is a place where everybody will be able to see. I can share the link for the videos. Right. So that it will be there with them here, since in chat it will go away. Somebody who is not attentive will not be able to see it here. Agreed. So you may share it there. And definitely there are many other open source video editing tools, which are, some of them are much more basic than this also, and some are a little better than this. So there is no limit to it. But yes, this whichever one we selected, we found useful. We have shared with you. These are actually very interesting, and I'm really happy to share that we have been working on PME Vidya. It's been more than, like, it's gonna be 2 years now, and we do all these things of layering when we sit with the technical team. And now we all, you know, three, four of us are here. We are working in the same team, and we were laughing that this thing we have been doing for the last so many years, like it's been 2 years, but we never happened to learn this thing, like, you know, layering and, you know, taking the tracks up and down. So now we were laughing that now we can assist the technical team there after this training. So it is really very helpful to, you know, learn all these tools. And now we can easily say where the voice is, you know, we need to have a low sound or the intonation. Now we can change ourselves. Otherwise we used to take help of the technical team. So it is really very interesting. Both the softwares are really very helpful. Thank you for such an amazing training today. Thank you, ma'am. So I will tell you my experience, because aap log itna achha kar rahe ho, hum log online mode pe bhi kar rahe hain. Maine jo physical first training SRG organized ki thi in 2017, you won't believe, every one of you, the teachers who attended that, especially that one 2017-18 one, we had to teach them how to go to file, where the file menu is, how to save, how to cut, how to create a Gmail ID first to use the easily. Agreed. Just think how difficult it would have been for those teachers to go through all these softwares and work on them. But now, I think after... Thanks to Corona. After Corona, when I'm interacting with teachers, and also 2-3 phases of training has also happened. So many of the participants are also already working. Exactly. So it gives me immense pleasure that the level of questions has also changed. And really, it's such a learned group, ma'am, and we are learning so much from one another. Such a season, you know, it is a group with seasoned personality. Right. I am nowhere denying your efficiency, your learnedness, because that is why I requested Gurmail sir to answer or Isha ma'am to answer, because everyone here is okay. Everybody has encountered a different problem and has a different solution for it. So if one solution can work for one, it may not work for the other. So we are requesting all of you to interact in the group. Post the. It's not about you write, Monica ma'am, please help me with this. You can write, ki ye wala problem hai, please help whoever can help. And I would appreciate that. Like, you know, everyone is sharing the links right then in the group so that nobody misses anything. So this yes. is, I think, so yes. I'm really, I'm myself feel very good about it that, okay, we are... You know, you have a lot of questions. Some are very small, some are off the level that even we can't answer, but that gives me privilege of learning it further. That is not an issue. Monica ma'am. Hanji, Ruhi ma'am. Ek to group ko rehne dein, usko close na karein.
पहली बात, और दूसरा हो सकता है कुछ रह जाए, ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है क्या हम उसमें आ सकते हैं या नहीं, हो सकता है कहीं कहीं पे ऐसे ही। ओके, तो मैम ग्रुप नहीं रहेगा व्हाट्सएप वाला, पर आपको परेशान नहीं होना है, इस ग्रुप में मैं कुछ दिन रहेगा, इस ग्रुप में मैं एक लिंक शेयर करूंगी जो कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, जैसे व्हाट्सएप है वैसे ही टेलीग्राम है। टेलीग्राम में क्या है कि हमारे पास फैसिलिटी है कि हम लोग हजारों की संख्या में जुड़ सकते हैं, ज्यादा लोग उसमें आ सकते हैं। तो जैसे हमारा ये फेज टू है, तो फेज वन के पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी उस ग्रुप में जुड़ चुके हैं, फेज टू जैसे ही खत्म होगा हम लोग आपको लिंक देंगे, आप भी उसमें जुड़ जाएंगे, तो आपका भी एज अ टीचर एक बड़ा सर्कल बनेगा। तो अगर आप सोचे कि सोशल साइंस का आपको कोई सपोर्ट टीचर चाहिए, तो आप और भी स्टेट्स के साथ यू कैन इंटरैक्ट देयर, उनकी लर्निंग से भी आप सीख सकते हो। तो आप उस ग्रुप में एफिशिएंटली अपना ध्यान से शिफ्ट होना है, सो दैट हम लोग भी बाद में जो भी अनाउंसमेंट्स हैं एट सीआईटी लेवल, क्या लॉन्च हो रहा है क्या है, वो सब भी हम वहां पे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि चार फेजेस अगर है तो चार ग्रुप्स में हम सेम इन्फॉर्मेशन अलग अलग पोस्ट करेंगे, वहां पे हम कंबाइंड सबको लास्ट में कर देंगे, सो दैट ऑल द कंप्लीट इंडिया इज टुगेदर इन दैट ग्रुप एंड वी आर शेयरिंग आवर लर्निंग्स। थैंक यू मैम। मैम, टू ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर वेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, so should I take them? Yes. Okay. Miss Navneet, kindly unmute yourself. Thank you so much, Nidhi ma'am. Thank you, Monica ma'am, for a lovely session. Yes, ma'am, I would like to appreciate Isha ma'am for, telling that we have been working with PME Vidya. It's me, Rupali ma'am here. Then I would like to name Aarti ma'am here, all from Chandigarh. We have been working there. Amandeep sir has been there. Yes, we have been seeing all this, and we have been even having some hands-on with some apps. Now, what my problem is that, ma'am, for that course, as Gurmail sir had, solved one of the issue, वो हो गया। उसके बाद आई हैड अ वीडियो कॉल विद सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम अगेन, दैट व्हेन वी लॉग इन, नाउ वी आर एबल टू लॉग इन विद अ न्यू आईडी, आई मेड अ न्यू आईडी, आई लॉग्ड इन एंड देन देयर वाज नो प्लेस वेयर द कोर्स स्टार्टेड। देयर वर फोर कोर्सेस बीइंग ऑफर्ड, वी चूज द वन दैट वी हैव टू डू, एंड विद दैट व्हाट हैपेंड इज दे आस्क्ड टू रजिस्टर अगेन। The option came, the same option came, there was no course throughout the pages, and it happened with all of us, ma'am, right? I think what I have understood, when you open, go to that page, sometimes it is not showing any course. So on the right screen, all courses option, when you click on all your courses or something like that, then on the right side top thing, you get a menu of the courses, then you can select from there. Ma'am, the menu is there. We select the course, but then it redirects to the same page where we have to put in the email ID. Ma'am, I think you should just try deleting all the temporary files from the settings of the Chrome. I think some kind of temporary files itself, cookies itself are stopping you to access that part. Okay, ma'am. Thank you. Yeah. Thank you so much. Right, ma'am. Mr. Dalit, now you can unmute yourself and ask. Thank you, ma'am. Ma'am, बढ़िया session था ये, आपने जो useful tools बताया video MP4 बनाने के लिए, thank you. और गुरमेल सर ने जो information दी उससे भी जो है ये मेरा जो यार certificate था ये भी open हो गया, thank you sir के लिए भी। और मैम थोड़ा सा ये जो कल वाला सेशन था H5E में, उसमें जो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, तो उसमें हम एक क्वेश्चन बना के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस तरीके से बनेगा वो जानना चाह रहा था मैं, कि जो हम तीन चार क्वेश्चन होगा हम एक साथ लें। सर, आपने जो चॉइस वहां पे 40 तरह के लगभग रिसोर्सेज का डिटेल दिया हुआ है, आपने एक एमसीक्यू वाला चूज किया है, अगर आपका जो क्वेश्चन बनाना है उसका आंसर एक ही रहेगा या मल्टीपल आंसर्स है? सर, मल्टीपल आंसर है, फोर आंसर। नहीं नहीं, मतलब फोर में से वन सेलेक्ट कर, सेलेक्ट तो वन ही करना है ना? हाँ जी। ऑप्शन तो उसी में एक ऑप्शन है सिंगल चॉइस सेट जी,
अगर आप उसको चूज करेंगे तो आप उसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चन बना सकते हैं। जी जी अच्छा सिंगल चॉइस सेट में। हाँ तो सर मैं ये सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि उसकी सारी जितनी लिस्टिंग है सबको एक्सेस करें, आपको अपने आप आपके आधे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैम थोड़ा सा जानना चाह रहा था जो बच्चों को हम भेजेंगे उसमें पेपर जो उसमें बच्चों के लिए भेजा लूमी से, तो वो जब वो सबमिट करेंगे तो डाउनलोड करके भेजेंगे तो वो क्या लैपटॉप में हमें फाइल बना के सबमिट करना उसको कि वो किस तरीके से भेजेंगे मोबाइल से? सर जैसे मान लीजिए आपने 10 बच्चों को भेजा, अब 10 बच्चों ने वापस वो फाइल भेजी, तो आपने उस सारी फाइल्स को एक फोल्डर में डालना है और लूमी एनालिटिक्स वाले बटन पे क्लिक करके उस फोल्डर को उसके अंदर चूज करना है। मोबाइल से भेजेंगे मैम सबमिट करके? वो जैसे मर्जी भेजे, आप उसको लैपटॉप में ले जाइएगा ना सर फाइल को। नहीं मैंने किया था, ट्राई किया था तो अलग फॉर्मेट में ओपन नहीं हो पा रहा था। अच्छा ठीक है, मोबाइल में अगर वो आता है तो उसके आगे ना डॉट टेक्स्ट करके एक शायद वो आ जाता है, तो आप लूमी वाला जो मेन एक्सटेंशन है जैसे अपने लैपटॉप पे करेंगे तो जो एक्सटेंशन वो देता है वही ले लीजिएगा, उसको अपने आप फाइल नेम में ही चेंज कर दीजिएगा तो वो ठीक हो जाएगा। जी ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है In the chat box, one of the person has asked about that there is an error while launching this OpenShot app, but another person has sent a link for providing support regarding the same. So should we address this question or is it? Sir, I don't think, because what exactly the problem is there. So I think you can just take the help from the support section right now. If you still feel any problem, we can take it again. Just once go to the support. I think some format only issue is there, that your laptop may might not be compatible with the OpenShot. So maybe a previous version you can install. So just check into the support what instruction are given. You can use them and follow. There is one more question from Delhi. Is there any way to justify the text in the Easily? I think they are talking about, she is talking about Easily app. Ma'am, must be जहाँ पे text editing option है वहाँ पे मिल जाना चाहिए. Exactly मुझे एकदम से अभी याद नहीं आ रहा है, but हाँ या फिर जब आप text box select करते हैं तो उसके अंदर कौन सी वाली आप select कर रहे हैं वो देख सकते हैं कि आप right aligned वाला कर सकते हैं या justified वाला कर रहे हैं, तो आप select उस basis पे text box को कर सकते हैं. एक्चुअली मैम मैंने ना सारे टेक्स्ट चेक कर लिए, उसमें अलाइनमेंट जो है वो सेंट्रल अलाइनमेंट है और साइड वाइज है, जस्टिफिकेशन नहीं है. तो आई वाज जस्ट आस्किंग कि इज देयर एनी वे टू जस्टिफाई द टेक्स्ट, बिकॉज़ वो ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा उसमें इंफोग्राफिक्स. मैम आई एम रियली सॉरी, मेरे को अभी उसको देखना पड़ेगा, मेरे को एकदम से याद नहीं है वो वाला. आई विल पोस्ट दिस क्वेश्चन टू द एक्सपर्ट और आई विल जस्ट गो टू द Easily वेबसाइट वंस एंड चेक इट एंड देन वी विल अपडेट यू ऑन दिस. Thank you. Remind me for this later on, because I might forget, but yeah, I'll try to help you with this. There is one more query from Rajasthan, that while running the software, if we have selected the Hindi language by mistake, so how can we manage it? How can we change it? To take this query. So just give me a second. I'll just try to see how can I help you with the problem. Okay, so for this, I think you need to go to the edit button. And then in the edit button, you can choose the default language or English, whichever you want. Edit button in the file menu above and go to preferences. In preferences, you have the language option there. You can just try and change it. Go to market default, because in my system, it is showing default and it is running on English. So there is a question, I'll read it in the chat box. Ma'am, if any of us needs any help assistance. So ma'am, as I said, we will be transferring you to a Telegram group. You can post the question there and you will be getting the help. No problem about that. There is one more query. One of the person is asking about where they can find recording of today's sessions. Oh my God, this question, I think I've taken 100 times during these 3 days. So I'll try. You please recall that answer.
Yes, where to that person? Who is that? You can just simply say, try to recall. If you can't recall, ask in the group. Everybody will answer on my behalf. That person said that person got disconnected in between. And okay. That's why I missed the answer. No, once you might have got disconnected, but I have told, I think, not less than 100 times. So not every 100th, one time, second time, you might not be disconnected. Still, I'm repeating, all the video recordings are being done for the sessions, but right now I can't make them available. It will take a few days. These will be available on the same CIT page where all the PPTs are available. So just give us some time for this. It will be there. Another question is... Kuldeep sir, thank you so much for posting this link. Please keep helping me with these postings so that some of the questions are answered with this. There is one more question. One of the person had asked regarding H5P, how to download the file, H5P file. Okay. When you have created the file, in the left side corner screen, there is a file button. Go to that. Save it as H5P file first and then export it as HTML file. All HTML something. Three options are there. Click the first one, which is the all HTML. There is a query regarding Lumi. Lumi में interactive video को edit करते ही software close हो जाता है. इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि आपके laptop की RAM हो सकता है कम हो. आपके जैसे हमारे laptop में या phone में दो चीजें होती हैं. एक होती है memory, internal या external memory, और एक होती है RAM. RAM जो है हमारे device की speed को तय करती है. तो आपके जो device के अंदर जो RAM है, वो हो सकता है कम हो. इसी वजह से बार-बार close हो रहा है. और वो file हो सकता है video वाली बड़ी. तो आप एक बार देख लीजिए कोई छोटी फाइल ट्राई करके बाकी एप्लीकेशन अगर काम कर रही है इसका मतलब वही प्रॉब्लम. आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस मेंशनड इन द चैट बॉक्स. ओके वन अनदर देयर इज वन मोर क्वेश्चन. वीडियो इज नॉट वर्किंग इन इजीली. सेम वीडियो विल नॉट वर्क इन द इजीली सो इजीली. व्हाई? बिकॉज़ इट इज ऑनलाइन. वीडियो इज आल्सो कमिंग फ्रॉम यूट्यूब. सिंस वी आर पुटिंग द लिंक एज मैम सजेस्टेड दैट डोंट डायरेक्टली वीडियो. इट विल बिकम वेरी हैवी. So it takes a lot of time and the good internet speed. Sir, अगर Java चाहिए तो आप Java install कर लीजिए. आपके Java install करने से बहुत सारे software easy हो जाते हैं computer में install करने. Another question is, OpenShot download कर लिया, full screen में open नहीं हो रहा है, बार बार run मांग रहा है. Run करने को कह रहे हैं बार बार. सर या तो पूरी तरह से इंस्टॉल नहीं हुआ है. अगर फुल आधी स्क्रीन में दिख रहा है तो इसका मतलब कुछ और प्रॉब्लम है जो कि आप मैं अभी देख कर ही बता सकती हूँ. ऐसे नहीं बता पाऊंगी. Sorry if I missed something, please tell me again. No, you have not missed anything. I think all the questions are answered and that's why no one has asked any other question till now. Okay. So Mamta ma'am, you have written that that's a YouTube link and just show play button. Yes, it will initially show your play button. Once it is properly, the speed is proper, it will show the video also once you play that. Okay, great. If we are able to achieve the 100% answering of all the questions, that is it for the day. Thank you very much for you for being with us, for being so patient with us and asking so many questions so that we also got our knowledge also got enhanced. Now try to start creating assignments because you have to create in any case 3 assignment and an OER certificate. Tomorrow, whatever you are learning, you can add that also one, but at least create 2 assignments by today, complete them.
and then I will give you the form to submit it. The form will ask you, you have to submit either an image file for the infographic and VUE for video or stop motion animation, which you will be doing tomorrow, an MP4 file, audio MP3 file, so that we can also play it here. Don't post the project files. And if you are submitting the H5P, post the HTML file. So it is visible to all and accessible to all. Just keep this in mind. I'll post the assignment tomorrow. And I hope you, every one of you, have marked your attendance today in both the sessions. Sir, Pratap Singh ji, agar aap prashn hai to poochhi lijiye na. Rest, the day is, I call it a day now. You can, if you have any question, you can stay back or you can join tomorrow again at 9:25 for the upcoming sessions. Thank you very much. Thank you, Ms. Nidhi, for supporting me during the sessions. Miss Aarti wants to say something. She has raised her hand. VUE file mein kaam kar rahi thi. तो इसमें जैसे मैंने ना वो बना लिया है एक माइंड मैपिंग वाला जो है, तो उसके बाद इसमें इमेज सेलेक्ट करने के लिए करती हूँ तो इमेज का ऑप्शन आता है, बट आगे वो चीज नहीं होती जैसे अगर इमेज का आ रहा है और आप कर रहे हो तो थोड़ा स्लो हो सकता है, एक बार आप नहीं मैम, जैसे मैंने फॉर्मेट पे किया, फॉर्मेट में ऑप्शंस आ रहे हैं नोड, फॉन्ट, इमेज, लिंक्स, तो इमेज पे ओके करने के बाद ये आगे नहीं प्रोसेस में हो रहा। नोड आप पूरा एक बार स्टेप बताइए, नोड पे जाके ऐड मैम, फॉर्मेट, फॉर्मेट पे गई मैं, फॉर्मेट पे जाके मैंने जो है इसमें काफी सारे ऑप्शन है, नोड, फॉन्ट, इमेज, लिंक्स, अलाइन, अरेंज, तो मैं इमेज को कर रही हूँ। इनकी हेडिंग क्या है? हेडिंग तो मैम ऊपर फॉर्मेट है। नहीं नहीं, तो आपके पास इमेज जहाँ पे आएगा वहाँ ऐड इमेज या ऐड लिंक की ऑप्शन होगी, तब वो वाला होगा, ये कुछ और होगा इमेज वाला। तो मैम इसमें होता है वैसे इमेज ऐड होती है? हाँ, डेफिनेटली मैम ने दो बार उस दिन करके दिखाया था। हाँ हाँ, लेकिन मैम इसमें नहीं आ रहा ऑप्शन। नहीं आएगा, आप करेक्ट जगह पे शायद नहीं कर रहे हो, एक बार फॉर्मेट में जा रहे हो ना आप। हाँ। फॉर्मेट में जा रहे हो तो वो इमेज फॉर्मेट करने की ऑप्शन हुई, आप इमेज को ऐड करने का करेक्ट ऑप्शन ढूंढिए, देन यू विल बी एबल टू डू। हां जी, जो ऐड इमेज वाला आ रहा है ना कंटेंट में, ऐड नोड, ऐड टेक्स्ट, ऐड इमेज, जो ऐड इमेज है ना वो लाइट ग्रे जैसे होता है ना, जो वर्किंग में नहीं होता वो है, ऐड नोड तो ठीक है, प्रॉपर ब्लैक लेटर्स है। पहले हो सकता है कि आपको पहले नोड ऐड करनी हो, उस नोड में आप इमेज ऐड करोगे, डायरेक्ट नहीं कर पा रहे होगे, ऐसा होगा। ओके ओके मैम, ओके, हां जी ठीक है, मैं ट्राई करती हूं। ठीक है मैम, थैंक यू। Miss Sheenam has also raised hand. कहाँ है? नहीं है। Okay. I can't see it. तो मैं mistake से हो गया। ऐसे ही निधि मैम, आप मेरे question बढ़ा रहे हो। मेरा इतना exam ना लिया जाए, मैं को कुछ नहीं आता है। तो मैम, I know कि आप भी बहुत थक गए हो, 9:30 से हमारे साथ हो, हमें आपके face से लगता है। नहीं नहीं मैम, मैं नहीं थकती ऐसे, हम इनके नाम से आते ही तो नहीं है। नहीं हम feel कर सकते हैं। हाँ जी निधि मैम, अकेली है कि बहुत सारे लोग हैं उधर? वहाँ पे ज्यादा लोग हैं इसीलिए। अच्छा, नहीं तो हम चाहते थे मैं उसको देखूं। निधि मास्क उतार दो एक बार, एक मिनट के लिए। बहुत खूबसूरत है मैं निधि मैम, ऐसे मत देख के नजर लग जाएगी उनको। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी आवाज बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा। निधि अनम्यूट करना पड़ेगा। सोच रहे हैं हम भी सोच रहे हैं मैम, निधि मैम की आवाज बड़ी खूबसूरत है सचमुच। मैम मेरी बहुत बुरी है लगता है। नहीं नहीं नहीं, आपकी तो है ही, हम 3 दिन से सुन रहे हैं, लेकिन निधि मैम की, मेरे बेटा छोटा है उसने कहा ये कौन सी मैम है जरा मुझे दिखाओ, इसलिए। चलिए मैम, थैंक यू सो मच, नाउ वी विल क्लोज द डे, एंड आप लोग भी आप थोड़ा अपने असाइनमेंट्स भी बना पाए और अपना पर्सनल फ्रेंड भी देख पाए। So we'll close it today and we'll join back 9:25 tomorrow so that we can start the session on time. Thank you. Thank you, ma'am. Very good.